रानी माँ यम से पूछकर बताइए वो किस तरफ भागे। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। यहां से वहां चारों तरफ भाग रहे हैं। यमन मुझे सौम्या मिल गई है, तुम परेशान मत हो, उसके पापा उसे दुल्हन के टेंट में ले गए हैं। अरे तू तो मेरी परी है, मेरी सच्ची दोस्त है, बस उस पर नजर रखना कि वो कहीं भागे ना। ठीक है यमन। गोदावरी, छोटी उंगली से भी मत छूना उसको, ठीक है? ये पागल है, तू जा। हैं? मैं सच में पागल हूँ? पागल नहीं, पागलों का सरदार है। अच्छा, तू खाएगा? ए, तू यहाँ मजे से अमरूद खा रहा है और वहाँ वो लोग मेरी चमड़ी उधेड़ रहे हैं। तो कितना चिल्ला रहा है, कान फट गए। अरे जब तेरा भी बैंड बजेगा ना तब पता चलेगा तुझे। अच्छा कूल डाउन, कूल रहेगा तो फोकस रहेगा, फोकस रहेगा तो सोच पाएगा, सोचेगा तो भूख मिट जाएगी। तो तू जल्दी से सोच, बहुत भूख लगी है ना बाबा। अभी शाम के 6 बजे, 7 बजे पहुंचना है। और यहाँ ऑटो वोटो नहीं मिलेगा, हमें 5 किलोमीटर चल के जाना है, चल। अरे लेकिन जाना कहाँ है? गांव के बीच यम की मूर्ति के पास। उस मूर्ति के पास क्या करेंगे? उस मूर्ति के पास एक झोपड़ी पर काले भैंसे का पीले रंग का झंडा है, वो दूल्हे की झोपड़ी है। उसके बगल में पीले भैंसे का काला झंडा है, वो दुल्हन की झोपड़ी है। चल मेरे साथ वहीं जाना है। अरे लेकिन हम उस नरक में फिर क्यों जा रहे हैं? हमें गोदावरी ने बुलाया है। गोदावरी, ये कैरेक्टर कहाँ से आ गई? पापा, हाँ बोलो। ये लोग मुझे छू रहे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इन सबको हटाओ यहाँ से। इस कबीले की शादी में मर्द लड़की के सारे संस्कार करते हैं और औरतें लड़के को सजाती हैं, ये रिवाज है। चुप, कम से कम आप तो इन लोगों की तरफदारी मत कीजिए। इससे पहले कि मैं शोर मचाऊं, आप जाकर पता कीजिए हरीश और सतीश के साथ क्या हुआ। अब जाइए यहाँ से। मुझे कम से कम सबके सामने तो मत डांटा करो। जो आप लोगों ने किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, गोदावरी को यहाँ लेकर आइए। मेरी बात सुन, वहां पर देख रहा है उस पीले झंडे पर काला भैंसा बना है, वहां औरतें भी हैं, और इस तरफ काले झंडे पर पीला भैंसा बना है, काला रंग मर्दों की निशानी है, और वहां आदमी मौजूद है, मतलब वो दूल्हे की झोपड़ी है और वो झोपड़ी है दुल्हन की। ज्यादा शांत पति मत दिखा, ये बता गोमती ने क्या कहा? अरे गोदावरी यार। हाँ वो जो भी है, क्या कहा उसने ये बता। धीरे बोल। चल चलते हैं भाई, आखिर गोमती ने कहा क्या? मत कर। सुन, सौम्या जैसे ही अंदर से बाहर निकलेगी मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा, और उसकी जगह तू छुप जाना। ठीक है। हाँ ठीक है, जा जा जल्दी। जाता हूँ। सौम्या मैं आ गया, चलो भाग चलते हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं। ब्रो, ब्रो अगर मुझे पता होता कि तुम हो तो मैं वैसा नहीं करता। मुझे लगा कि सौम्या, इसलिए मैंने गले लगा लिया। अच्छा, तू तो सौम्या को गले भी लगता है।
भाई भाई चिंता मत करो, मैंने इसको पकड़ लिया है। भाई आपको याद है, इसने आपको थप्पड़ मारा था, बदला ले लो भाई से। देखना इसके भाई, भाई एक और मारो भाई, छोड़ना नहीं, पंच से दूंगा। क्या बोला तूने, क्या बोला भाई को, लड़की बोला तूने, भाई लड़की दिखते है तेरे को, भाई इसे और मारो, मुझे पता नहीं भाई पकड़ो, गले लगाएगा, सोमिया को गले लगाएगा। ब्रो मुझे पता नहीं था, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, और मैंने तो गले ही लगाया था ना, तुम तो मेरे भाई टाइप के हो। सबको भाई बनाता है। ए, रुक जा भाई, वो भाग गया, उसको पकड़ के लाता हूँ। अरे तो क्या हुआ, भाग कर जाएगा कहाँ? बचाओ। क्या हुआ? अरे वो लोग मुझे डॉगी समझ के धो रहे हैं, मैंने उसे लड़की समझ लिया। किसे डॉगी को? नहीं वो अबे ये दोनों तुझे डॉगी जैसे दिखते हैं, तब तो मुझे जिन्होंने कूटा वो भेड़िए थे। छोड़ो से, हम दोनों को क्यों मार रहे हैं? बताता हूँ, 14 साल पहले नागरानी ने अपनी बेटी की सगाई मुझसे तय की थी, लेकिन बाद में उसे भगा दिया, और तब मैंने अपनी माँ और यमराज के सामने ये कसम खाई कि जब तक उससे शादी नहीं कर लेता तब तक किसी लड़की को नहीं देखूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उस समय कई लड़कियां मेरे पास आकर मेरे ब्रह्मचर्य को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा, और मैं बस ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः की जप करता रहा, लेकिन कभी हौसला टूटने नहीं दिया। जब मेरे हम उम्र के लड़के शादी करके मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए आते थे तो मुझे बहुत जलन होती थी, फिर भी मैं मुस्कुराता था। अगर अचानक लड़खड़ा भी जाता था तो कोई लड़की सहारा नहीं देती थी। मेरे दर्द और आंसुओं को कोई नहीं समझ सकता। तब से मैं हर दिन हर पल अपनी बीवी के बारे में सोचता रहता था कि कब मौका मिले और अपनी बीवी को उठाकर ले आऊं और उसे मेरे साथ शादी के मंडप में बिठाऊं। लेकिन जैसे ही मेरा सपना पूरा होने वाला था तुम बीच में आ गए और मेरी पूरी होने वाली तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने दूंगा? हाँ भाई, तो ये है आपका 14 साल पुराना वादा जिसके बारे में आप उस दिन हमको कह रहे थे? नरसिंह, ये वक्त सही नहीं है। 14 साल वेट किया ना सिर्फ इस लड़की के लिए, किसी को आंख उठा के भी नहीं देखा। मैं तेरा गुस्सा और परेशानी समझ सकता हूँ ब्रो। मेरे साथ शहर चल, तुझे मजे करवाता हूँ। अब तो इसे पप्पी भी ले ले। अबे अलग हट, क्या फालतू की कहानी सुना रहा है तू? अरे जाना, इसे नहीं किसी और को ढूंढ ले, वैसे ही बुड्ढा होता जा रहा है तू। पकड़ नरसिंह। क्या बोला भाई को बुड्ढा बोला तू? उनका वादा मजाक लगता है तुझे? मजाक लगता है क्या? पता है सोना दे देंगे, हीरा दे देंगे, हम जान तक दे देंगे, लेकिन यम से किया हुआ वादा नहीं तोड़ेंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता, देखने में ये लोग आदमी लगते हैं लेकिन किसी जानवर से कम नहीं है। जानवर किसे बोला? कसम से इसको बोला। यहाँ क्यों आया? इसके कहने पर। इसके कहने पर? तेरी तो। नरसिंह चाचा को बोला। चाचा जी, शक्ल से तो भालू लगता है, आदमी बनेगा आदमी? मुंह पे उंगली रख। सच में लगती है क्या? फिटवा दिया। नमस्कार चाचा। अरे पचवा। अच्छा हुआ आप आ गए। ये आदमी कौन है? यही तो हमें लेकर आया था। अरे वो तो पुलिस वाला था, ये कौन है? अब तो चश्मा भी नहीं लगाया, ध्यान से देखे। क्या बात कर रहे? अबे ये दोनों अभी तक जिंदा है? हैं? अबे ओए, अगर मैं कहूँ कि ऐप डाउनलोड करने से बच्चा पैदा हो जाता है तो तुम लोग बिना सोचे मेरी बात पे विश्वास करके बच्चा पैदा करने लगोगे? खोपड़ी में भूसा भरा है। तुमको क्या लगता है तुम यहाँ खुद आए हो? तुम्हें यहाँ लाने का प्लान हमने बनाया था। इस गांव के बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि हम अपनी जगह बदलते रहते हैं। यहाँ का नियम है कि किसी और के इलाके में जाकर नहीं मारते, इसलिए तुम दोनों को यहाँ लाए हैं। नरसिंह है? भाई मैंने कुछ गलत बोला? प्लान बदल गया क्या? नहीं, जरा खुलकर बता, थोड़ा डिटेल में। इस गाँव के बारे में कोई नहीं जानता। गधे, फिर वही लाइन मत बोल। ए, मेरी बात सुनो, बहुत सी रस्में बची हैं तो मैं नहीं मारूंगा, मेरी जगह मेरे चाचा मारेंगे। अब वो चाहे छीनी से मारें या हथौड़े से। ए सुन, मरते समय चिल्लाकर परेशान मत करना, ये चिल्लाए तो इसकी जबान काट देना। ए चलो, अरे देख कुछ तो कर यार। तू शांत हो जा, मुझे कुछ सोचने दे यार। मेरे छोटे छोटे भाई, एक मिनट यार, वो मेरी चेन ले ले। तुम दोनों कर क्या रहे हो? ए, ये दरवाजा क्यों लगाया? क्योंकि वो भाग गए। गधे बोलो, भाग गए, जा पकड़। भाग गए, चल जल्दी। अच्छा भाई, चल जल्दी। हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ भाई। भाग 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 भाग
लंबा 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 लंबा। भाग रहे हैं, पकड़ो कोई। रुक 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 रुक। इसने मेरा पर्स चुराया था। चल 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 चल। पकड़ो। लंबा लंबा लंबा।